जल्दी बैठो मेरे ऊपर, मेरे बेटे के पास ज्यादा समय नहीं है। महाराज, लगता है कल रात बब्बर और उसके जानवर इसी सुरंग के जरिए हमारे शिविर में घुसे थे। मैं आज अभी जंग का ऐलान करता हूँ। ये बेचारा जो यहाँ पे फंसा हुआ है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ये क्या? हमारे नए मेहमानों के स्वागत में हम अपना दावत शुरू करेंगे। गाड़ी गाड़ी ऊपर चलो। बुझाने का एक ही तरीका है, हम इस पर फ्रीज गन से अटैक करेंगे। कहा था ना मैंने, धरती आसमान पाताल का हर जीव मुझसे हारा। नाम है त्रिकारा, अलविदा रुद्र के रक्षकों। जल्दी भी ऐसे नहीं बुझने वाली। जिस वृक्ष के फल से हम बाल बब्बर को जिंदा करने वाले थे, उस त्रिकारा ने इस मायावी पेट को जला दिया। अब हम बाल बब्बर को जिंदा कैसे करेंगे? अब हम बब्बर राजू को क्या जवाब देंगे? रहे हो, इंसानों के राजा ने हमारे राजा का खून कर दिया है, घोर पाप किया है। अब हम तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक इन सबको मार ना दें। अपने राजा का बदला लो। आक्रमण! शाबाश मेरे पुतलों, लड़ो लड़ो, मार तो एक दूसरे को। ठिकाने रुक, मैंने
मुझे समझ में नहीं आ रही है कि हम लोग दीदी को ढूंढने जंगल में क्यों आए, और शांति संधि के बिना अगर जानवरों ने हम पे हमला कर दिया तो? जुग्गू, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। सैनिकों को रूपनी सूरजपुर में कहीं नहीं मिली। देखो, अगर वो यहाँ है ना तो फिर उसकी जान को खतरा है। हमें कुछ भी करके रुक्मणी का पता लगाना है और फिर निकलना है यहाँ से। अरे अब क्या कम टेंशन है जो ये भी आ गई? हट, समझा रही हूँ, दूर चलते हो मैं मसल के रख दूंगा। अच्छा बेटा, तू ऐसा नहीं मानेगी, रुक। मेरा नाम भी डुग्गो भोपाली ऐसा ही नहीं है। निराश मत हो गाइस, कोई ना कोई हल तो जरूर होगा। क्या है, हम इस पेड़ के फल से बाल बब्बर को जिंदा करने वाले थे, तभी जाकर वो सबको बताता ना कि हमने उसे नहीं मारा, उस गुरुकालो लंगू लंगोट ने उसे मारा। और जब तक जब जानवरों को सच नहीं पता चलेगा ना, ये जंग नहीं रुकेगी। अब बता, बिना इस फल के हम बाल बब्बर को कैसे जिंदा करेंगे? पर विशु, बब्बर राजा भी तो हमारी तरफ ही है ना, जरूर उन्होंने जाके सबको सच बता दिया होगा। माया, हम काली शक्तियों पे भी तो भरोसा नहीं रख सकते ना, कहीं बब्बर राजा को कुछ हो गया तो, या फिर गुरुकाल ने कुछ कर दिया तो। हम बाल बब्बर को यूं मरा हुआ भी तो नहीं छोड़ सकते, टाइम निकलते जा रहे, हमें ही कुछ करना होगा। छोटे ही रहना ना जिसे हमने बचाया था। धन्यवाद रुद्र के रक्षकों, यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। रही बात इस दिव्य वृक्ष की, तो इसे वापस लाने का एक ही तरीका है। अगर उसके किसी भी टहनी पर तुमने दिव्य जल की कुछ बूंदें छिड़क दी तो वो वापस पूरा वृक्ष बन जाएगा। लेकिन हमें दिव्य जल कहाँ पर मिलेगा? दिव्य तालाब में, इस टापू के उत्तरी पश्चिमी कोने पर। शुक्रिया, हम अभी वहां जाते हैं। चलो। छोटी कारी, ऊपर उड़ो।
उस हिरण ने जो बताया था उसके हिसाब से तो यही वो दिव्य तालाब है, लेकिन इसका पानी इतना अजीब क्यों है? रुक जा विशु, ये पानी नहीं, ये तो हानिकारक केमिकल है। क्या हो गया है तुम्हें? चलो चलो घर चलते हैं। ये टुगू भी पता नहीं कहां भाग गया। टुगू, टुगू! चलो रुक्मिणी, चलो घर चलो, चलो। दादी, इतनी भी जल्दी क्या है जाने की? अभी तो खेल शुरू हुआ। कहाँ चला गया डुगू? ये ले। कहाँ चला गया डुगू? क्या हुआ? रुक क्यों गई? भगा के थका डाला यार। हम डुग्गू भोपाली है, पीटी उषा नहीं है जो इतना भगा रहे हो। अबे कोई पानी तो पिला दो यार। माजी, माजी, अबे माजी कहाँ चली गई? माजी, माजी, अपनी परछाई बना और उसका ध्यान बेटा। हाँ मैं जल्दी के। हाँ ठीक है बस। हे तैपन, मेरे पास आए ऊपर।
अरे आप लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अगर हमने बाल बब्बर के लिए उपर नहीं लिया तो वैसे भी सब खत्म ही होने वाला है।